सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुंटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायो था। अजी सुनते हो, दुकान से वापस आते समय मेरी गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना, उसे हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भगवान, लेता आऊँगा। शाम को बंटी कबूतर दही बेचने चला जाता है। उतनी देर आप बताइए कि 30 / 6 कितने होते हैं। दही ले लो दही, स्वादिष्ट और मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही, दही ले लो दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही तो देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बगैर भोजन तो हजम ही नहीं होता, ये मीठी तो है ना। अगर मेरी दही मीठी ना हो तो मैं पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटों में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखा करता था और उसे बहुत जला करता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम भी करते हैं, लेकिन बंटी के दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक उससे ही दही लेना पसंद करते हैं। अजी, तुम दूसरों की तरक्की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जा जाके अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और कालू सोचने लगता है कि कैसे वो इसके व्यापार को बंद करवाए। अगली सुबह जब टुंटुनी अपनी गायों का दूध निकालने जाती है तो क्या देखती है कि वो गायों बेसुध पड़ी थी। गायों, ओ गायों, तो इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है? क्या हुआ है तुझे? सुनहरी के बापू, जल्दी आओ, देखो हमारी गायों को क्या हो गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। तभी बंटी कबूतर धोड़ा धोड़ा वहाँ आता है और गायों को देखता है। टुंटुनी, अब हमारी गायों कभी नहीं बोलेगी, इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। भगवान, ये क्या नष्ट हो गया, मेरी गायों से किसी की क्या दुश्मनी थी, गायों को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए गायों को अपने घर के पिछवाड़े में दबा देते हैं। सुनहरी के बापू, अब हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम कोई दूसरी गाय खरीद सके। अब हम क्या करेंगे सुनहरी के बापू। उठो टुंटुनी, उठो, चलो घर चलते हैं, अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है जो भी है। सारी रात दोनों रोते रहते हैं। अगली सुबह टुंटुनी गायों के पास जाती है। वहां जाकर वो देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहां पर एक बड़ा पेड़ उग चुका था और उस पर बहुत सारी मटकियां लटक रही थीं। दरख्त से आवाज़ आती है। बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, अब तुम चाहे कितनी भी दही बेचो, मैं तुम्हें दही दूंगी। टुंटुनी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुंटुनी और बंटी कबूतर दही का व्यापार करके खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगते हैं। मिनी ताल के जंगल में टुंटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। तब टोनी चिड़िया ने टुंटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुंटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को बहुत सताती थी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसी हो, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना? मुखिया जी, आप बताइए, कहिए, कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है ना, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ। वैसे आजकल मौसी मेरे पास रहने आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है, तुम कहो तो कल ही टुंटुनी को उनको दिखाई देते हैं।
ठीक है मुखिया जी, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा करना ही है ना। अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कवि अपने बेटे कालू कव्वे के साथ उनको देखने आते हैं। बहन, मुझे तो टुंटनी बहुत पसंद आई है, बस एक बार मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। इधर कालू टुंटनी से बात करता है और हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, आपकी बेटी अब मेरी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख चाहिए। कालू अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए तो उसे पैसे चाहिए होंगे ना। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव से हैं और हम शहर से, शहर में तो बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुंटनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को एक महीना गुजर जाता है। एक दिन टुंटनी अपनी सास चंपा कवि से कहती है, माँ जी, मेरी शादी को एक महीना हो गया है, पर ये रात को घर ही नहीं आते। आहर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं निपटा सकते। मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? तू बस खाना पकाने और घर के काम काज से मतलब रख, ज्यादा दिमाग न चलाया कर। ये गांव नहीं है, शहर है शहर, यहाँ दिन और रात एक समान। टुंटनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप ही रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन वो किसी काम से बाजार जाती है, वहाँ कालू कव्वे को किसी और चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे, ये तो मेरे पति कालू जी है, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है, इसे शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो इनके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। टुंटनी तुरंत अपने पति कालू के पास जाती है। अरे कालू जी, आप और यहाँ ये कौन है, इनसे मेरा तारुफ कराइए ना। मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरे पति हैं ये, और मुझे शॉपिंग करा रहे हैं, मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही हो, मैं तुझे नहीं जानता, जा यहाँ से। आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी के साथ खेला है आप लोगों ने। आपने बहुत धोखा किया है हमारे साथ माँ जी। तभी कालू घर चला आता है। माँ, अब इस ग्वार का यहाँ कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे टुंटनी को लेकर जाकर नदी में फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता, कोई है मुझे बचाओ। तभी नदी से पानी पीता एक हाथी का बच्चा टुंटनी की आवाज सुनता है और किसी तरह उसे नदी में डूबने से बचा लेता है। टुंटनी अपने साथ हुए इस जुल्म को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं अपने ससुराल भी वापस नहीं जाऊंगी। मैं खुद अपना एक घोंसला बनाऊंगी और अपनी जिंदगी नए सिरे से बसर करूंगी। टुंटनी चिड़िया नदी किनारे अपने लिए एक घोंसला बनाती है और इसमें खुशी खुशी रहने लगती है। छोटी चिड़िया जंगल में ऑटो चलाती थी। वो माँ बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, आप घर के पास ही रहना, अगर कोई बड़ा पक्षी देखो तो फौरन से पत्तों में छुप जाना। माँ, मुझे सब पता है, आप बस जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपना ऑटो लेकर चली जाती है। कबूतर कब से चिड़िया का इंतजार कर रहा था। कबूतर भैया, कहाँ जाना है आपको? साथ वाले जंगल में मेरी पत्नी अपने मायके गई है, उसे ही लेने जाना है। फिर चिड़िया कबूतर को अपने ऑटो में बैठाती है और साथ वाले जंगल की तरफ चलती है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बड़ी सी चील ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। वो कुकू को देख लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, कुकू से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये तो बहुत छोटा पक्षी है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मगर इस छोटे पक्षी की मदद से इसके मम्मा पापा को तो पकड़ ही सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचते हुए पीछे से जाती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, अगर मेरी मम्मी आ गई तो वो आपको बहुत मारेगी, छोड़ो मुझे। चुप चुप कर जा, अगर तूने शोर किया तो
गर्दन काट दूंगी मैं तुम्हारी। कुकू डर के मारे चुप हो जाता है। चील चिड़िया के दरवाजे पे एक चिट्ठी रख देती है और कुकू को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया भी सागर वाले जंगल से पहुंच जाती है। कबूतर की पत्नी एक बड़े पेड़ पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। या अपना ऑटो रोकती है। पति जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप ये भरा बैग रखो ऑटो में, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आप आओ ऑटो में बैठो, हम घर चलते हैं। चिड़िया अपने काम से फारी होकर घर वापिस आती है तो उसका बेटा घर पे ना था। चिड़िया उसको घर में देखती है लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। कुकू कुकू, कहाँ हूँ बेटा, कुकू। चिड़िया अपने बेटे को आवाजें देती है। दूर दूर तक ना तो कोई था तो चिड़िया की नज़र अपने घर के दरवाजे पर पड़े कागज पर जाती है। वो उस चिट्ठी को पढ़ती है। चिड़िया के मम्मा पापा, मैं माही चील हूँ, पहाड़ों वाली गुफा में रहती हूँ। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो अपनी बलि दे सकती हो, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूँगी, आपकी दुश्मन माही चील। वो चिट्ठी पढ़ कर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू, मेरी मेरे कुकू को चील ले गई है, मेरा बेटा। चिड़िया अपने पड़ोसी कव्वों के पास जाती है। कव्वे कव्वे, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई और एक चिट्ठी रख गई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है चिड़िया? उसमें लिखा है कि अगर कोई बड़ा जीव अपनी बलि देकर उसके बच्चे को बचाना चाहे तो वो उस गुफा में आ जाए। तो क्या अब हम बलि देंगे तुम्हारे बेटे की जगह? कव्वे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं तो तुम्हारे बेटे की जगह अपनी बलि देंगे हम? नहीं, आप हमारे साथ चलें और हम बात करेंगे उस जालिम चील से। ना जी ना, ना हम ये नहीं कर सकते। क्यों पाले उस चील से दुश्मनी? माफ करो और खुद ही जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। मैंने सुना था पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तुमने गलत सुना होगा। चिड़िया अपने घर जाती है। वो रसोई से लाल मिर्च का डब्बा उठाती है और उसे अपने पंखों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मेरी मम्मा आपको छोड़ेंगी नहीं, आप मुझे जाने दें। अगर इतना ही प्यार होता तेरी मम्मा को तुझसे तो वो तुझे बचाने के लिए अभी तक अपनी बलि देने आ गई होती। उतनी देर में मम्मा चिड़िया वहाँ भी आ जाती है। सच? छोटे पक्षी, तुम सच्चे थे, आ गई तुम्हारी मम्मा, अब तुम बच जाओगे। माही चील, पहले मेरे बच्चे को छोड़ो, उसकी रस्सी खोल दो। याद रखना चिड़िया, अगर तुमने कोई चलाकी की तो तुम दोनों माँ बेटा जरूर मरोगे मेरे हाथों से। चील कुकू को खोल देती है। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची वाला डब्बा निकाल कर मिर्ची उसकी आँखों में फेंक देती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुमने क्या डाल दिया मेरी आँखों में? चील उधर उधर अंधों की तरह भागने लगती है। भाग कुकू भाग। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लिए वहाँ से भाग जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस चलाक चिड़िया को, मजा जरूर चखाऊंगी उसको। मम्मा चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि माही चील उसे बदला लेने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए दूसरे दिन वो अपने काम पे नहीं जाती। वो अपने बेटे को लेकर घर पे ही रहती है। वो एक बड़ी सी देची में पानी उबालती है। दोपहर के बाद माही चील कव्वों के पास जाती है। कव्वे कव्वे, कल उस चिड़िया की बच्ची ने मेरी आंखों में मिर्ची डालकर अपने बच्चे को मुझसे आजाद करा लिया, खुद भी भाग गई और अपना बच्चा भी ले गई। चील जी, मैं अभी जाकर उसके बेटे से पूछ के आता हूँ कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। हाँ हाँ कव्वे, तुम जाओ उसके घर और मालूम करो कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। कव्वा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। कौन है बाहर? मैं हूँ कुकू, तुम्हारा पड़ोसी कालू कव्वा। क्या तुम्हारी मम्मा घर पे है? नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा तो घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, अब वो चील यहाँ जरूर आएगा, तुम ऐसा करना उसको बातों में उलझाना और मैं ये गरम गरम पानी उस पे डाल दूंगी। चिड़िया वो पानी लेकर घर के छत पर छुप कर बैठ जाती है। चील जी, चिड़िया तो घर पे नहीं है मगर उसका छोटा बेटा घर पे अकेला है। अगर बड़ा पक्षी मेरी किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ, मैं छोटा ही खा लूंगी। चील उड़कर चिड़िया के घर के बाहर जाती है। चील खिड़की से कुकू को आवाज देती है। छोटी चिड़िया के बच्चे, दरवाजा खोल, ये डिब्बा ले लो, कल तुम्हारी मम्मा ये डिब्बा वहाँ ही छोड़ आई थी। आंटी चील, मम्मा कह रही थी कि अगर आप आए तो मैं आपसे कह दूं कि ये डिब्बा आप ही रख लें,
ये हमारे किसी काम का नहीं है। चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और चील पे पानी डालती है। गरम गरम उबलता हुआ पानी चील को जला देता है। मर गई, हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, और मर जाती है। ये देखकर वो कव्वे वहाँ आ जाते हैं। कुकू भी अपनी माँ के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली, ये तुमने कैसे किया? याद रखना, मैंने तो अपनी अकल से अपने बेटे की जान बचाई है, मगर जब कल तुम पे मुसीबत आएगी तो तुम किसको पुकारोगे? तो प्यारे दोस्तों, जब आप पे कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने से बेहतर है कि उसका डटकर मुकाबला किया जाए, क्योंकि मुश्किल में आती रहती है। आपका धन्यवाद।